الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من أهل الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. माज़दा सामीन वाजिब अहतराम बुज़ुर्गों मिल्लत इस्लामी के नौजवान साथियों आप सभी को मेरे सलाम तहिया अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिज़्निल्लाह आज का हमारा मौज़ू अम्र बिल मारूफ़ व नहीं अनिल मुनकर यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी और सिफत है कि वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और अल्लाह सुबहानहु ताला ने हमें हुक्म दिया कि तुम में ये ग्रोह ज़रूर होना चाहिए जो भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता। और अल्लाह सुबहाना ताला ने मोमिनों की सिफात बयान करते हुए फरमाया मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में दोस्त हैं, वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी नुसरत का वादा इस बात पर किया है इम मक्कन्नाहुम फिल अर्द, अगर हमने उन्हें ज़मीन में हुकूमत करने का मौका दिया तो वो जहां दीगर इबादात और मामलात को बजा लाएंगे वहीं वो भलाई का भी हुक्म देंगे और बुराई से भी रोकेंगे। चुनांचे हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद को नसीहत करते हुए उन्होंने फरमाया था कि बेटा भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना और इस राह में जो तकलीफ़ें पेश आती हैं उस पर तुम सब्र करना। चुनांचे माज़द सामईन भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना हम में से हर एक पर फ़र्ज है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मर रहा मिनकु मुनकरन फल युगैर हो बी यदि, तुम में से कोई किसी बुराई को देखता है तो उसको चाहिए कि वो अपनी ताकत से उसको रोकने की कोशिश करे। अगर ताकत से बन नहीं पाता तो बात के ज़रिए उस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करे। अगर बात से भी बात जो है नहीं बनती तो कम से कम उस बुराई को अपने दिल में जो है बुरा समझे। और ये ईमान का कमज़ोर तर दर्जा है। चुनांचे माज़द सामईन अगर हमने भलाई का हुक्म नहीं दिया बुराई से नहीं रोका, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बात का शक है कि अल्लाह सुबहाना हो ताला अपनी तरफ से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे और तुम में के खियार यानी सबसे अच्छे लोग अल्लाह से दुआ करें और उनकी दुआ कबूल ना की जाए। यानी दुआ की मकबूलियत की वजह में से सबब में से एक सबब ये भी है कि हमें भलाई का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से अपने इरशाद फरमाया इय्याकुम वल जुलूस, क्या मेरे सहाबा तुम रास्तों में बैठा मत करो। सहाबा ने कहा उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, बैठना पड़ता है। तो उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बैठना ही है तो रास्ते का हक अदा करो, रास्ते का हक अदा करो। सहाबा ने कहा रास्ते का क्या हक होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी निगाहों को नीची रखो और रास्ते में कोई चीज़ तकलीफदेह चीज़ अब तुम्हें दिख रही है तो उसको दूर करो और कोई तुम्हें सलाम कर रहा है तो उस सलाम का जवाब दो। और साथ में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। ये क्या है? रास्ते का हक।
चुनाचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, एक शख्स क़यामत के दिन लाया जाएगा जो दुनिया में भलाई का हुक्म देता था और बुराई से रोकता था, लेकिन जहन्नम के सख्त तरीन अजाब में वो मुब्तला होगा। अपनी आंते लिए जहन्नम में वो घूम रहा होगा। देखने वाले कहेंगे कि आई फलां, तुम तो भलाई का हुक्म देने वाले थे, तुम तो बुराई से रोकने वाले थे, फिर आज तुम्हारी ये हालत क्यों है? तो वो कहेगा कि मैं लोगों को तो भलाई का हुक्म देता था लेकिन भलाई मैं नहीं करता, लोगों को तो मैं बुराई से रोकता था लेकिन खुद मैं नहीं रोकता था, जिसकी वजह से आज मेरी यह हालत हुई है। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, जब हम दूसरों को नसीहत करते हैं तो सबसे पहला खिताब खुद हमारा नफ्स होना चाहिए। किसी भलाई का हुक्म देते हैं, उस भलाई को हम सबसे पहले बजा लाए। किसी बुराई से हम लोगों को रोकते हैं तो हम पर वाजिब होता है कि उस बुराई से सबसे पहले हम रुके रहें। चुनांचे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आदमी कई तरह का जिहाद करता है, जिसमें हाथ से किया जाने वाला जिहाद भी है, जिसमें ज़ुबान से किया जाने वाला जिहाद भी है, और जिसमें दिल से किया जाने वाला जिहाद भी है। अगर इंसान के दिल में किसी बुराई को बुरा समझने का जज्बा ख़त्म हो गया है तो समझिए कि उसमें खैर ख़त्म हो गया। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, हमें भलाई का हुक्म देना चाहिए। और इसी तरीके से अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह सुबहाना हो ताला तुम पर जालिम को मुसल्लत करे, तुम पर जालिम को मुसल्लत करेगा जो तुम्हारे बड़े की कदर नहीं करेगा और तुम्हारे बच्चों पर रहम नहीं करेगा, और तुम में सबसे ज़्यादा बरगजीदा जो होंगे वो उसके ख़िलाफ़ दुआ भी करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करेगा, मदद तलब करेंगे अल्लाह की मदद नहीं मिलेगी, गुनाहों से मगफ़रत तलेंगे मगफ़रत भी उन्हें दस्तियाब नहीं होगी। यानी ये सारी चीज़ें किस पर बेस्ड हैं कि आदमी भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। चुनांचे हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया वो कौन लोग हैं जो ज़िंदा होकर भी मुर्दा हैं, वो कौन लोग हैं जो ज़िंदा होकर भी मुर्दा हैं? तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये वो हैं जो भलाई को भलाई नहीं समझते और बुराई को बुराई नहीं समझते, यानी इनके दिल से ये हिस ये शोर मिट गया है तो ये ज़िंदा होकर भी मुर्दा है। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, सबसे बड़ी भलाई क्या है, सबसे बड़ी भलाई ही क्या है एक मुसलमान की ज़िंदगी में? सबसे बड़ी भलाई जो है तौहीद है। चुनांचे हमें चाहिए कि लोगों को हम तौहीद की दावत दें, तौहीद की हम दावत दें, और ख़ुद तौहीद को सबसे जो बड़ी भलाई है उस तौहीद को समझने की हम कोशिश करें। तौहीद के तीन अकसाम हैं, तौहीद रुबूबियत है, तौहीद उलूहियत है, तौहीद अस्मा व सिफात है। मुख्तसर तरीके से आप जानते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा राजिक है, अल्लाह ही मुदब्बिर है, अल्लाह ही हमें ज़िंदगी देता है और अल्लाह ही हमें मारता है, और बारिश का बरसाने वाला अल्लाह सुबहाना होता है, तमाम नेमतों का अता करने वाला मुनइम हकीकी कौन है? अल्लाह सुबहाना होता है। ये तसव्वुर हमारे दिल में होना चाहिए कि तौहीद रुबूवत ने तमाम कायनात का पैदा करने वाला, पालने वाला, हिफाजत करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना होता है। तौहीद उलूहियत का माना क्या है? जब ये सारे इनामात अल्लाह सुबहाना होता के हैं, सारी मखलूक़ात अल्लाह सुबहाना होता की है, हमारे जिस्म का एक एक अज़्व अल्लाह सुबहाना होता का बनाया हुआ है, तो हमें किसके सामने झुकना चाहिए, किसकी इबादत करनी चाहिए, किसकी इताअत बजा लानी चाहिए? यकीनन अल्लाह सुबहाना होता की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह सुबहाना होता की इताअत जो है हमें बजा लानी चाहिए। इसी को तौहीद उलूहियत कहते हैं। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, तौहीद उलूहियत का की जो तारीफ़ करते हैं वो ये कि इंसान के अक़वाल हों या अफ़आल हों, वो ज़ाहरी हों या बातनी हों, इंसान के अक़वाल हों या अफ़आल हों, ठीक है, ज़ाहरी हों या बातनी हों, जो अल्लाह को पसंद है उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं?
इबादत कहते हैं। उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं जी? इबादत कहते हैं। चुनांचे नमाज अल्लाह को पसंद है, ज़िबह अल्लाह के लिए होना चाहिए, नजर अल्लाह सुबहाना तआला से करनी चाहिए, मदद अल्लाह सुबहाना तआला से तलब करनी चाहिए, डर अल्लाह सुबहाना तआला का होना चाहिए, उम्मीद अल्लाह सुबहाना तआला से हमें बांधे रखना चाहिए। चुनांचे मेरे और आपके प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए थे, मलय आला की भी उन्होंने ज़ियारत की थी, यानी जो फरिश्तों में ऊंचे मर्तबे के फरिश्ते होते हैं उसको मलय आला कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जब आप मलय आला में गए थे तो वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम को आपने किस हालत में पाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीला कपड़ा जैसा होता है, भीगा कपड़ा जैसा होता है, वैसी हालत अल्लाह के डर से जिब्रील अलैहिस्सलाम की, वैसी हालत अल्लाह के डर से जिब्रील अलैहिस्सलाम की थी। यानी डर हमें किसका होना चाहिए? अल्लाह सुबहाना हो ताला का होना चाहिए, और उम्मीद हमें किससे बांधनी चाहिए? अल्लाह सुबहाना हो ताला से बांधनी चाहिए। चुनांचे अल्लाह सुबहाना ताला कुरान में फरमाया, वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूल अन इबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत। हर कौम में हमने जो है नबी को मबूस फरमाया, रसूल को मबूस फरमाया है, और वो रसूल उस कौम को जो नसीहत की वो क्या है? तुम्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है और तागूत से बचना है। तागूत कई किस्म के हैं, लेकिन पांच किस्म के तागूत बताए गए हैं। उसमें पहला तागूत कौन सा है? इबलीस है। दूसरा तागूत वो है, वो शख्स जो लोगों को अपनी इबादत की तरफ तो नहीं बुलाया, लेकिन लोग अगर उसकी इबादत करते हैं तो खुश हो रहा है, तो ये दूसरा तागूत है। तीसरा तागूत कौन है? जो खुद जो है लोगों को अपनी इबादत की तरफ बुलाता है, तीसरा तागूत है। चौथा तागूत कौन है? वो आदमी है जो ये दावा करता है कि उसके पास इल्मे गैब है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में जो है पूरे लोगों में सबसे ज्यादा अफजल है, और उन्होंने कहा कि मुझे गैब का इल्म नहीं है। वलौ कुंतु अअलमुल गैब लस्तकसरतु मिनल खैर वमा मस्सनी सू। अगर मुझे गैब का इल्म होता तो बुराई मुझे छूती नहीं और सारी की सारी भलाई में समेट लेता। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब आपको ही गैब का इल्म नहीं था, फिर अरे गैरे नत्तु खैरे का क्या कहना। चुनांचे मुअज्जज़ सामईन, इसको ज़हन नशीन करना है। और आखिरी चीज़ ये है कि पाँचवा जो तागूत है वो ये कि अल्लाह सुबहाना तआला की शरीयत को छोड़कर इंसान की बनाई हुई शरीयत को अफजल समझता है और उसी के हिसाब से वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है, तो ये भी तागूत कहलाएगा। और तीसरी जो किस्म है, ईमान हमें लाना है किस पर? अल्लाह सुबहाना तआला के अस्मा और सिफात पर। अस्मा अल्लाह सुबहाना तआला के बहुत ही खूबसूरत नाम अल्लाह सुबहाना तआला को हैं, और बहुत ही आलिशान सिफात अल्लाह सुबहाना तआला को हैं। लेकिन ये ईमान कैसे होना चाहिए? अल्लाह के अस्मा और सिफात में तहरीफ नहीं करना चाहिए, तहरीफ नहीं करना चाहिए। एक नाम है तो उसको दूसरा माना हम नहीं देना चाहिए, दूसरा माना नहीं देना चाहिए। और इसी तरीके से दूसरी जो चीज़ है, वला तातिल, तातिल के माने हैं उन नाम और सिफात में से किसी एक नाम सिफत को भी हमें इनकार नहीं करना है। तीसरा जो शर्त है वो ये कि उन नाम और सिफात को तसव्वुर में लाने की कोशिश नहीं करना। तसव्वुर में याद रखें, अल्लाह की ज़ात और सिफात को तसव्वुर में लाने की कोशिश नहीं करना। यानी अल्लाह सुबहान तआला रहम करते हैं तो ऐसा रहम करते हैं मैं सोच नहीं सकता, ये मेरे तसव्वुर के बाहर की बात है, तो ये तसव्वुर है। और चौथी जो चीज़ है वो ये तमसील, यानी आदमी जब तसव्वुर में लाता है फिर जाकर वो मूर्ति बनाता है, फिर जाकर वो मूर्ति बनाता है। चुनांचे वो अकवाम जो बुत परस्ती का शिकार हैं, जिनके पास तिमसाल कहते हैं, तिमसाल का माना क्या? मूर्ति है। उन्होंने बनाया कहाँ से आया? यही सोच से, यही तसव्वुर से उन्होंने इस चीज़ को बनाया। यानी वो उन्होंने ये समझा कि अल्लाह रहम करता है तो बंदों जैसा रहम है, अल्लाह जानते हैं तो बंदों जैसा जानते हैं, अल्लाह सुनते हैं तो बंदों जैसा सुनते हैं, अल्लाह देखते हैं तो बंदों जैसा देखते हैं। हरगिज़ नहीं, अल्लाह ने फरमाया लैसा कमिस्ली शय, लैसा कमिस्ली शय। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे बड़ी भलाई क्या है? तौहीद है। तौहीद की दावत हमें हर एक को देना है। और सबसे बड़ी बुराई क्या है तारीख है इंसानी में? सबसे बड़ी बुराई क्या है? कौन सी है जी? शिर्क है। सबसे बड़ी बुराई शिर्क है, इससे बड़ी बुराई कोई नहीं। चुनांचे इससे हमें रोकना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज हम में कई साथी हैं जो अपने साथी को, अपने रूममेट्स को, अपने कोलिग्स को देखते हैं कि वो बिदियात का शिकार है, वो शिरकियात का शिकार है, वो खुल्लम खुल्ला शिर्क कर रहा है, उसके बावजूद भी उनके
पेशाने पर जू तक नहीं रेंगती, बल्कि वो ये सोचते हैं अगर मैं उसको जो तौहीद की दावत दूंगा, शिर्क से मैं रोकूंगा, उसके मेरे ताल्लुकात बिगड़ेंगे। माज़ सामईन, तौहीद से ताल्लुकात नहीं बिगड़ते, याद रखें आप, तौहीद से ताल्लुकात नहीं बिगड़ते, बिगड़ते हैं तो शिर्क से बिगड़ते हैं, अगर फूट पड़ती है तो बिदअत से पड़ती है। चुनांचे माज़ सामईन, तौहीद हमें मिलाता है, सुन्नत हमें इकट्ठा करती है, मुत्तहिद करती है। अल्लाह सुबहानहु तआला ने फरमाया, ज़मीन में जितने खजाने हैं सारे सारे खजाने तुम खर्च कर लेते तो इनके दरमियान तुम उल्फत को पैदा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने उल्फत पैदा की। किस बुनियाद पर उल्फत पैदा हुई? वो है तौहीद। चुनांचे माज़ा सामईन, मुसलमानों को मुत्तहिद करने का वाहिद जरिया अगर कोई है वो सिर्फ तौहीद है। अगर हम मुतफर्रिक हैं, फिरकों के में बटे हुए हैं, इसकी वाहिद वजह यही है कि हमने तौहीद को खैरबाद कह दिया है। चुनांचे सबसे बड़े भलाई का हुक्म देने वाले हम बने, और सबसे बड़ी जो बुराई शिर्क है उससे रोकने वाले हम बने। उसके साथ दीगर जो भी काम अल्लाह को पसंद है वो हम उसका हुक्म दें, और जो भी काम अल्लाह को नापसंद है उससे लोगों को हम रोकने की कोशिश करें। अल्लाह सुबहाना ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह सुबहाना ताला जो भी बातें कही गई हैं उस पर कहने वाले मुझे और सुनने वाले आपको, हम सबको जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पहला सवाल, तौहीद के तीन अक्साम मैंने बयान किए हैं, आप में से कौन बताएंगे? तौहीद के तीन अकसाम, तौहीद के तीन अकसाम। चलिए आप, माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बुजुर्ग, दूसरा सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ी भलाई कौन सी है और सबसे बड़ी बुराई कौन सी? हाथ उठाए। दुनिया में सबसे बड़ी भलाई, हाँ जी, बैठ के बोलो। कोई बात, सबसे बड़ी भलाई ईमान है, सबसे बड़ी बुराई आते। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह फिर या सब।